brought to you by YourQuote, an app that makes you write and perform. कोई दिक्कत नहीं, 8 बजे अलार्म बजा के रहा, बजा सोचा 5 मिनट सोचा, बस 5 मिनट अलार्म बंद किया, आंख लगाई 5 मिनट, पर ये हुई घड़ी 5 मिनट बाद देखो 10:15 बज रहे थे, 10:15 10 बजे की मीटिंग थी, 10 बजे अब क्या होगा, भागते भागते नहाई, भागते भागते कपड़े पहने, भागते भागते खाया हुआ ऑफिस, अरे स्कूटी की चाबी भी नहीं मिल रही, अरे राम क्या करो, कैब बुक कर दी, हेलो कैब भी आ गई, चलो दरवाजा खोला, ऑफिस में घुसी, सामने टकराई तो प्रधान जी से, अरे प्रधान जी हम अखिलेश प्रधान सीईओ, हमारे सीईओ ऑफ द कंपनी, अरे सीधा जाके उनसे टकराई, जाने लेकर गई, वो बोले नाम क्या है, निधि, निधि ये टाइम है ऑफिस आने का, किस टाइम आती हैं आप ऑफिस, लगता है आपको जरूरत नहीं है नौकरी की, अच्छा होगा आप अपना इस्तीफा देने, सॉरी सर सॉरी, वो एक्चुअली क्या बताऊं सर, मैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम में फंस रही थी कि मतलब कोई प्रॉब्लम नौकरी से ज्यादा जरूरी थी सर, इंसान के नाते देखिए मैम आप अपना रिजिग्नेशन दीजिए, और सर आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए, हाथ तो मेरे ऐसे कांप रहे थे कि मेरे जाने ही नहीं जाएगी, आगे कांप रही थी, हाथ को मैंने यूं करके पकड़ा, लंबी सांस ली, मैंने कहा प्लीज प्लीज सर मेरी बात सुन लीजिए, एक बार मेरी बात सुन लीजिए, अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार, वो पलटे देखो बोले आप समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं, आपका मतलब अगर आपकी बात मुझे नहीं जची तो आप इस्तीफा दे देंगे, ये कह रहे हैं ना सुन लीजिए, अगर आपको लगता है तो आप जैसा कहेंगे तो ठीक है, निधि आइए बैठिए, बताइए मुझे ऐसा क्या हो गया जो आपकी नौकरी से ज्यादा जरूरी है, हम तो काम रहे थे मेरे लगा नौकरी तो गई, पर फिर भी खुद को समय दिया, मैंने सर सही टाइम पर कैसे जैसे ही नीचे आए वो हमारे मकान मालिक है ना, मैंने देखा वो बेहोश पड़े हैं, बेहोश, और मैंने जल्दी से पानी निकाला उन्हें छींटा दिया, उनको ध्यान से वो होश में नहीं आ रहे थे, फिर छींटा दिया, जोर से हिलाया, प्लीज प्लीज अंकल रुकिए प्लीज, अंकल वो कुछ बोल नहीं रहे थे, फिर मैंने छींटा देकर उन्हें होश में लाई और मैं उन्हें ले गई, कहाँ ले गए उसे थे हॉस्पिटल, नहीं नहीं सर हॉस्पिटल नहीं ले गए सर, वो बिस्तर तक ले गए, उन्हें वहाँ बिस्तर तक ले गया, उन्हें फिर थोड़ा सा पानी दिया, थोड़ा सा ग्लूकोज डाल कर पानी दिया, फिर उसके बाद मैंने फिर उन्हें थोड़ा सा कुछ खिलाया, फिर वो थोड़ा सा अच्छा फील करने लगे, तब मैंने किया, पर सर इतना ही काफी नहीं था, मैं चलने लगी तो देखा स्कूटी भी पंचर थी, बहुत घबरा गई थी सर, तो आपने क्या किया, कहाँ गई आप स्कूटी का पंचर ढूंढवाने, नहीं सर ऑलरेडी इतनी लेट हो गई थी, स्कूटी का पंचर नहीं ढूंढाने जा सकती थी, मैंने कैब बुक करी और मैं चली आई, तो आप कैब से आए हैं, तो आपके मोबाइल में कैब का
मैसेज होगा ना? हाँ सर है ना, देखिए तो। ओके मिस्टर जी, विल कंटिन्यू। मैं जरा कॉस्ट्यूम का क्या करा दूं और हम हमें बात करेंगे आप कहीं जा रहे हैं। जी सर। ए हेलो, जल्दी उठो, उठो यहाँ से, रूम खाली करो मेरा, किसी को लगना नहीं चाहिए कि तुम मेरे रूम में थे। हाँ हाँ जल्दी उठो और घर थोड़ा सा ठीक कर देना। हाँ हाँ थोड़ा सा ठीक करना, ज्यादा ठीक मत करना, ये लगना चाहिए मैं जल्दी में निकली हूँ। हाँ सिर्फ वहां से बाहर निकलो, रूम लॉक करके चाबी कमरे के नीचे डाल देना, और तुम्हें बहुत से काम करने हैं, मेरी बात ना सुनो। नहीं नहीं तुम्हें टाइम नहीं है तुम्हारी बातें सुनने का, कोई बात नहीं सुन सकती, पहले मेरी बात सुनो। जल्दी से वहां से निकलो, रूम खाली करो मेरा, लॉक करो चाबी कमरे के नीचे और जाओ नीचे बैठकर के वहां। गली में जाकर मैंने कहना कि जब मेरे ऑफिसर मुझसे मिलने आए तो चुपचाप अगर वो बिस्तर पर लेटे रहे और खून वहां से ज्यादा कुछ नहीं कहा तो बस शाम को उनकी फेवरेट पनीर टिक्का फेवरेट शॉप से ट्रीट मेल कर देना। सुन लिया? अरे नहीं, अभी तुम्हारी बात नहीं सुन सकती, जो मैं कह रही हूँ वो सुनो। देखो उसके बाद में जाते हुए एक काम और करना है तुम्हें, जाते जाते मेरी स्कूटी पर चल रही है। अरे कह रही हूँ ना, दिक्कत होगी पंचर डलवाने में, उसकी चिंता मत करो, जो कह रही वो करो, अंकल को बोलो उसके बाद स्कूटी पंचर कर देना बस। कहानी नहीं करना बस, शायद नहीं होती। सुबह से शाम को दे, शाम को नेहा घर के अंदर एंटर कर रही थी एक मुस्कुराहट के साथ, तो अमेजोन का एक पैकेट इंतजार कर रहा था। उसने पैकेट लिया, खोला, उसे एक किताब दिखाई, ऑर्डर थी उसने कुछ कहना नहीं, और उसके बाद जब उसने उसे पलटा तो उसके पीछे लिखी थी एक कविता जिसे पढ़कर बहुत जोर से हंसी। लिखा था, ए झूठ तुझसे सच बोलने को जी करता है, ए झूठ तुझसे सच बोलने को जी करता है कि छोटे छोटे झूठों से जीवन भरेगा।